अब आप लोग समझ लीजिएगा भैया, राजा बलि से तीन कदम धरती नहीं मांगी गई, बल्कि तीन वचन भरवाए गए कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी लिखेगी नहीं, शिक्षा की ओर नहीं जाएगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करेगी, कभी राजा नहीं बनेगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अपने हाथों में हथियार नहीं उठाएगी, अपनी सुरक्षा नहीं करेगी, शिक्षा सुरक्षा अर्थव्यवस्था से बहुत दूर रहेगी तुम्हारी आने वाली पीढ़ी। राजा बलि मजबूर होकर के ये वचन देते हैं, राजपाट भी उनका छीन लिया जाता है। राजा बलि ने एक बात कही थी कि जब मेरे लोगों को पता चलेगा तो बदला लेंगे, लेकिन उस आर्य ने भी एक बात कही कि मैं तो इन्हें बता बता कर लूटूंगा, ये मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हकीकत है भैया, बता बता करके लूटा जाता है हमारे समाज के लोगों को। कब? हमारे लोग पूजा पाठ करवाते हैं और बाबा जी से कलावा बंधवाते हैं, बहुत लोग बांधे हैं यहां पर भी भैया, बाबा जी से कलावा बंधवाते हैं, और जब कलावा बांधा जाता है भैया तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र क्या पढ़ा जाता है? एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचल। एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचल। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार मैंने दान के महान बल से तुम्हारे पुरखा राजा बलि को बांधा था, उसी प्रकार से आज मैं तुमको भी बांध रहा हूं। जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो, अपनी रक्षा के लिए मत चलो मत चलो मत। ये आज भी बताया जाता है, बता बता कर लूटा जाता है, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। हमारे लोग कहत बाबा आशीर्वाद दे रहे, बाबा आशीर्वाद नहीं दे रहे, बाबा तुमका गाली दे रहे, कहा था इसे तुम्हारे पुरखा का लूटे रहन, ऐसे तुमको लूट रहे हैं। हमारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं, बाबा जी जब कलावा बांधते हैं तो इतनी रफ्तार में मंत्र पढ़ते हैं, इतनी रफ्तार में पढ़ जाते हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते, इतनी रफ्तार में मंत्र पढ़ दिया जाता है, और भैया लोग गाली उखाते हैं और ऊपर से दक्षिणा देते हैं। मतलब वो बता भी रहे भाई गाली तो ही हुई है कि हम तुम्हारे पुरखा को ऐसे बांधे थे, ऐसे बांध करके तुम्हारे पुरखा राजा बलि का सब कुछ छीन लिए थे, और आज तुमको भी वैसे ही बांध रहे हैं, जहां पर खड़े हो वहीं पर खड़े रहो और यहां से हिलने डुलने की कोशिश ना करो। ये बताया जाता है आज भी, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते। तो भैया अगर आप लोग सच में मानते हैं कि हाँ हमारे पुरखा राजा बलि के साथ में ऐसे छल किया गया, तो फिर जो बंधन में बंधे हैं इसको फेंक दीजिए तोड़ के, इससे मुक्त हो जाइए। ठीक है माताएं बहने, आप लोग बांधे हैं ना, देखो दीदी लोग बांधे बैठी हैं, इससे मुक्त हो जाइए। अभी आपने देखा ये कलावा की शुरुआत यहीं से हुई, जब राजा बलि को छल लिया गया, और राजा बलि के बाद में जब इस समाज के साथ में छलने का काम शुरू हुआ तो वही कहानी वही मंत्र बना लिया गया कि ऐसे ही हम तुम्हारे पुरखा को छले थे, ऐसे ही आज तुमको छल रहे, बता बता करके हमको छला जाता है लूटा जाता है। इसलिए मेरे भैया अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पुरखों के साथ में छल किया गया, और बताया गया कि राजा बलि को मार करके पाताल में भेज दिया गया, पाताल कुछ और नहीं भैया, जो एक बहुत बड़ा राजा हो और उसका सब कुछ छीन लिया जाए, कुछ ना बचे उसके पास, तो समझो पाताल में ही पहुंच गया भाई। जो बहुत बड़ा राजा हो उसका राजपाट सिंहासन धन धरती सब कुछ छीन जाए तो वो पाताल में ही चला गया समझो। तो ये कहानी है आपके पुरखे राजा बलि की। तो अम्मा बहने जो लोग ये बंधन बांधे हो ना, इससे मुक्त हो जाओ, इसे तोड़ के फेंक दो, क्योंकि बाबा साहब ने हमें आजादी का जीवन दिया है, हम आजादी का जीवन जिए, किसी के बंधन में बंध के नहीं। अगर हम ये बंधन बांध के घूमते हैं तो फिर हम बाबा साहब भगवान बुद्ध के अनुयायी नहीं हो सकते हैं, ये समझना है। ये राजा बलि की कथा आप लोगों ने सुनी और झांकी के माध्यम से देखी भी।